Now question number 6 from exercise 13.3. Question is, the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 200 per 100 meter square. स्टूडेंट्स देखिए, जो इसकी समरी है क्वेश्चन की, हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये कौन तो है ही, कौन का टॉम्ब है, ठीक है ना, ये टॉम्ब है। अब इसकी स्लैंट हाइट दे दी गई है, कितना 25 मीटर, और डायमीटर, बेस का डायमीटर कितना है 14 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 मीटर। ओके देखिए, और रेट क्या दिया गया है, इसको व्हाइट वॉश करना है, कर्व सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करना है लिखा है। हाँ। तो वो क्या रेट है, 200 पर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पर इवन 200, 1 पर मीटर स्क्वायर नहीं है, पर मीटर स्क्वायर होता तो हम सीधे 210 से मल्टीप्लाई करते लास्ट में, लेकिन इसको हम करेंगे 200 बाय 100 से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर, ये चीज समझ लीजिए। पहले तो हमको जिसपे इस पे व्हाइट वॉश करना, वो एरिया निकालनी पड़ेगी, किस पे करना है, सीएसए पे, तो सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, अगर बुक में लिखा रहेगा कि नहीं 3.14 यूज करो तो भी आप 3.14 यूज करेंगे, अदरवाइज 22/7, रेडियस 7 और स्लैंट हाइट 25, ये 7 कैंसिल हुआ और मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 55 आएगा ना, 550 क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, तो 550 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका कर्व सरफेस जिस पे व्हाइट वॉश होना है ना, तो फाइनल में क्या लिखेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश या व्हाइट वॉशिंग क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा, रूपी 210 इंटू जितना आया होगा 550 ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाए, और 21 into 55 आपका आंसर हो जाएगा, देख लो, चेक कर लो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखिए और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन इज, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, तो 10 कैप्स बनाने के लिए कितने शीट की आवश्यकता पड़ेगी हमको बताना है। जरा देखिए, इस टाइप का कैप है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाइट 24 सेंटीमीटर, और 10 कैप्स बनाने के लिए कितने शीट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम पहले तो एक कैप बना देख लें कि कितनी शीट लगेगी, एक कैप में किस कितनी लगेगी, इतना इसका सीएसए होगा, कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया से कर्व बने तो हम क्या निकालेंगे, और उसके लिए पहले चाहिए स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट कैलकुलेट कीजिए, अंडर रूट एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू है 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 का स्क्वायर, इट मींस अंडर रूट 49 प्लस 576, और इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 625, और जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर,
25 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। अब देखो रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया, स्लैंट हाइट। अब इसको हमको क्या चाहिए? CSA यहाँ पे लगा दीजिए। CSA कट सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई 22/7। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पाई 3.14 लिख दिया था गलती से, उसके पहले का क्वेश्चन तक है उसको ध्यान रखिएगा। रेडियस यहाँ पर पाई हो गया, रेडियस आर कितना है? 7 है। और स्लैंट हाइट 25। ये कैंसिल हुआ और ये कितना 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीएसए हुआ, लेकिन आपको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड शीट फॉर 10 कैरियर। रिक्वायर्ड शीट फॉर 10, रिक्वायर्ड शीट फॉर 10 कैरियर इक्वल टू, इसको टीम पूछ रहा है 550 10 into 550 क्या सेंटीमीटर। तो आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हो क्वेश्चन बहुत इजी हो रहे हैं, कैलकुलेशन बड़ी आसान हो रही है। ओके okay?